दोस्तों यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 10S हो गया है लॉन्च, जिसका कि बेस प्राइस है 4 GB वाले वेरिएंट का 10,000 रुपये। और जो दोस्तों एक अपर लेवल वाला वेरिएंट है वो है 6 GB वाला वेरिएंट, जिसका प्राइस है यहां पर 11,000 रुपये। दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरा की, इसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का दोस्तों डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सेल्फी की। इसमें दोस्तों आपको 8 MP की फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। AI वाले शॉट दोस्तों देखने को मिले जाएंगे, इमोजीज दोस्तों देखने को मिल जाएगा आपको। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे इनने इमोजीज दे रखे हैं, जिससे कि आप दोस्तों AR शॉट यहां पर निकाल सकते हो काफ़ी अच्छे वाले। तो दोस्तों एक सैम्पल में भी आपको यहां पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके के आपको यहां पर शॉट देखने को मिलेंगे। आपको दोस्तों पता होगा इन्फिनिक्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है अपने फ़ोन पर। इस बार इन्हें 48 MP का बैक कैमरा यहाँ पर दिया है और 8 MP का फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया है। बात करें दोस्तों नॉर्मल सेल्फी की, यहाँ पर 8 MP के से जो निकल कर आती है आप देख सकते हैं। डायनामिक रेंज मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल एवरेज सी है यहाँ पर सेल्फी की। आप अगर स्काई की ओर देखो तो बिल्कुल वॉश आउट है, लेकिन यहाँ पर जो पीछे ट्री है दोस्तों उसका कलर यहाँ पर पूरा आपको दिखाई देगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ठीक ठीक सी यहाँ पर आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी फ्रंट सेल्फी में देखने को मिलता है, जो कि आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मुझे बिल्कुल यहाँ पर ठीक लगा। कई बार होता है कि फ़ोन अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है जिसको, लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पर 5-6 शॉट लिए, उसमें काफ़ी अच्छे से ले रहा था। बात करें दोस्तों इनडोर शॉट की, तो वो भी यहाँ पर आप कहेंगे कि एवरेज से निकल कर आते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे आप नहीं बोल सकते हैं, और एवरेज एवरेज से मैं कहूँगा। बात करें इंडोर यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो वो भी दोस्तों ठीक ठाक यहाँ पर निकल कर आते हैं, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे हैं, उतने बुरे आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2K तक रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है फ्रंट कैमरे से, जिसमें कि आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और जो दोस्तों वीडियो है वो काफ़ी शेकी यहाँ पर आपको दिखेगी कि बन रही है। बाकी डायनेमिक रेंज में कहूँगा दोस्तों वैसे ही जैसे मैंने पहले कहा कि ठीक ठीक सी यहाँ पर देखने को मिलती है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो यही सब कुछ यहाँ पर कुछ है। इसमें दोस्तों आपको एक फीचर मिलता है कि आप वीडियो में ब्लर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इतना अच्छे से वो काम नहीं करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बार जो ये ब्लर छोड़ देता है, फोकस ही छोड़ देता है ऑब्जेक्ट से, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। कई बार ये अच्छे से ब्लर कर लेता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन दिया है बहुत बड़ी बात है। इसमें दोस्तों बैक कैमरे में भी आप यहां पर 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन EIS का कोई सपोर्ट आपको दिया गया नहीं है। और बैक कैमरे में दोस्तों जो 48 MP का कैमरा है वो काफ़ी अच्छे से डायनामिक रेंज भी कैप्चर कर लेता है। बस थोड़ा सा यहां पर जो आप बोलेंगे ISO में दोस्तों फ़र्क है, थोड़ा एक्सपोजर काफ़ी ढंग से लॉक दोस्तों कई बार कर नहीं पाता है, बाकी सब कुछ सही है। इसमें दोस्तों आपको स्लो मोशन वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो भी आपको इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर प्राइमरी मेगापिक्सल जो 48 MP का है, उससे शॉट कैसे निकल कर आएंगे, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो कंट्रास्ट लेवल है भाई, वो तो इन्फिनिक्स ने इस बार काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ पर आप डायनेमिक रेंज देख सकते हो। आप दोस्तों इस बार बिल्कुल मैं कहूँगा कि भाई कैमरे पे थोड़ा बहुत यहाँ पर काम किया है, नहीं तो इन्फिनिक्स दोस्तों कैमरे पे बहुत कम यहाँ पर काम करता था, लेकिन इस बार 48 MP का कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जूम की, तो भाई जूम करने पे मैं कहूँगा कि ठीक ठीक सी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन दोस्तों एवरेज सी आपको देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों डायनामिक शॉट्स की, तो वो आप देख सकते हैं 48 MP से भाई कलर तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डायनामिक रेंज भी दोस्तों इस बार आप यहाँ पर क्लियरली विजिबल करेंगे कि इन्फिनिक्स के फ़ोन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर कैप्चर की है, जिसमें कोई भी डाउट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो इसमें 2 MP का जो डेप्थ सेंसर है वो दोस्तों काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेता है। आप यहाँ पर जो मैंने शॉट दिखाए उसे देख सकते हैं। आपको मैं एक ह्यूमन शॉट भी दिखाता हूँ यहाँ पर, जो किस तरीके से यहाँ पर निकल कर आता है, तो आप देख सकते हैं भाई थोड़ा सा कलर में कहूँगा कि एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, बाकी यहाँ पर ब्लर में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप यहां पर दोस्तों काफ़ी अच्छे शॉट निकाल सकते हो, ज़्यादा नज़दीक जाके तो दोस्तों नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ठीक ठीक से यहां पर आप शॉट निकाल सकते हो।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडी रूट्स चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।